सुल्तानपुर के वार्ड नंबर 28 में अफसार अहमद का प्रचार जारी है। अफसार अहमद को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें, वार्ड नंबर 28 से समाज सेवी अफसार अहमद की पत्नी सैयद सादली जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं आरएम न्यूज और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। सुल्तानपुर में पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार अपने जोरों पर है। आज हम मौजूद हैं सुल्तानपुर के वार्ड नंबर 28 में। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो अपना प्रचार करने के लिए निकल चुके हैं। हम मौजूद हैं यहाँ के बघौना ग्राम सभा में। यहाँ एक नुक्कड़ सभा की गई थी प्रत्याशियों द्वारा, तो इनसे रूबरू होना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अफसार अहमद। यहाँ से प्रत्याशी हैं सैयद सादली जी, वो हमारी धर्मपत्नी हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। किस तरह से प्रचार चल रहा है आपका? बस आप देख रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। विकास के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, जागरूकता फैला रहे हैं लोगों के बीच में, शिक्षा लेके आ रहे हैं, मेडिकल लेके आ रहे हैं, सड़क, लाइट, बिजली, ये सारा चीज़ें जनता के बीच में पहुंचाने के लिए ये चीज़ प्रयास कर रहे हैं, बता रहे हैं, हमको विजयी बनाएं, ये चीज़ हम लड़के ला के सारे ग्रामवासियों के लिए पूरा करें। हमारा महत्व है विकास, शिक्षा से लोग बहुत पीछे हैं। शिक्षा हमारा, हमारे जो नबील भाई साहब ने कहा कि शिक्षा से हमारा बहुत पीछे है, तो शिक्षा हम बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। शिक्षा पीरियड में हम काम करेंगे। बघौना ग्राम सभा में आज आपने बैठक की, जनता ने आपका भरपूर समर्थन किया, इस बीच आपने जनता से क्या वादा किया? हमने जनता से ये वादा किया है, बघौना में हमारे नबील भाई साहब ने वादा किया, शिक्षा लाएंगे, सबसे महत्व है शिक्षा, उसके बाद विकास, सड़क बनवाएंगे, लाइट करेंगे, लाइट की व्यवस्था करेंगे, ये हमारी सब में प्रमुखता रहेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों की दुनिया में सच का साथी, तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए रिसी मी मानसा समाचार को।